व्यूवर्स, अब हम आ चुके हैं महाराणा प्रताप स्मारक पर, और अंदर म्यूजियम भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे. और ये पड़ता है जो फतेह सागर लेक है उसके जस्ट अपोजिट में. वीर भवन, वीर भवन में भैया म्यूजियम है ना. यहाँ पे हमें जितने भी शासक रह चुके हैं मेवाड़ डायनेस्टी के, उनके बारे में डिटेल्स गिवन है यहाँ पर. और इसके अलावा कुंभलगढ़ फोर्ट है और चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, उन सब का एक आउटलाइन यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए. तो चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना मॉडल ऑफ कुंभलगढ़ फोर्ट, आपको यहाँ भी लेके जाएंगे हम लोग. अभी तो आप मॉडल देखिए इसका. आज मॉडल और कल फिर एक्चुअल में आपको हम कुंभलगढ़ फोर्ट दिखाएंगे. बहुत ही वीर शासक रहे हैं महाराणा प्रताप. कितनी सारी हमने उनके बारे में स्टोरीज पढ़ी हैं. महाराजा राज सिंह, ये रहे हैं 1653 से 1680 AD तक. भामाशाह, महाराणा फतेह सिंह, इन्हीं के ऊपर फतेह सागर लेक का नाम है. हल्दीघाटी युद्ध से पहले. ये सब हल्दीघाटी के बारे में, और जब हम कुंभलगढ़ जाएंगे तब आपको हम हल्दीघाटी भी दिखाएंगे. महाराणा उदय सिंह, इन्हीं के नाम पे उदयपुर सिटी का नाम पड़ा था. राजकुमार उदय सिंह को छिपा के ले जाते हुए ये पेंटिंग दिखाई हुई है कि कैसे उन्हें बचा के ले जा रहे थे. महाराणा सांगा के भ्राता पृथ्वीराज के ऑनरस पुत्र बनबीर द्वारा वारिस राजकुमार उदय सिंह के भ्रम में पन्नाधाई के पुत्र की हत्या करते हुए. पन्नाधाई की स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी है, तो उसमें वही है, उन्होंने अपना बच्चा रख दिया होता है और उदय सिंह को बचा लिया होता है. महाराणा सांगा की आप ये फोटो भी देख सकते हैं. कहा जाता है जब वो आखिरी उनकी लड़ाई थी तब उनका जो सर है वो उनकी बॉडी से अलग हो गया था, पर उसके बाद भी उनकी बॉडी फाइट करती रही थी. इतने उनके अंदर शूरता और वीरता भरी हुई थी. तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो भी मेवाड़ डायनेस्टी के रानी हैं, राजा हैं, फेमस जितने भी लोग हैं, उन सबके यहाँ पे बारे में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं. तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे मेवाड़ डायनेस्टी के बारे में एक हमको पिक्टोरियल पूरा स्टोरी समझ में आता है, डिपिक्शन हम कर सकते हैं कि कैसे मेवाड़ डायनेस्टी आई और कैसे कैसे उन्होंने फाइट किया मुगल से, कैसे सरवाइव किया. चलिए अब इसके बाद में नीचे चलते हैं. नीचे मेरे ख्याल से आम गैलरी है चित्तौड़गढ़ और हल्दीघाटी. देखिए मॉडल ऑफ हल्दीघाटी एंड चित्तौड़गढ़ आर्म्स गैलरी.
यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि कैसे महाराणा प्रताप आए, उन्होंने क्या क्या अपना योगदान दिया और उनके टाइम पर जो जो युद्ध हुआ, हर चीज़ उनके बारे में, क्योंकि हम उन्हीं के स्मारक पे आए हैं तो उनके बारे में सब डिटेल्स यहाँ पर गिवन है। ये सिटी पैलेस है, सिटी पैलेस में भी हम आपको लेके जाएंगे, फिलहाल तो मॉडल है उसका। भामाशाह भवन, वीर भवन और चेतक वाटिका, ये सब चीज़ें भी हैं। ये है महाराणा प्रताप जी का स्मारक और आपको नज़र आ रहा होगा कि वो यहाँ पे अपने चेतक के ऊपर बैठे हुए हैं। घोड़े तो बहुत हैं, है ना, बट अगेन चेतक की भी अपनी अलग स्टोरी है। चेतक भी अपनी वीरता के लिए जाना गया है, तो जैसे महाराणा प्रताप वैसे उनका चेतक। तो आप जब अगर अन्ना सागर लेक आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू कम द अपोजिट साइड ऑफ इट, जो कि महाराणा प्रताप स्मारक है और वहाँ पे आपको म्यूज़ियम देखने को मिलेगा और वहाँ पे ही आपको बहुत सारे लाइक मॉडल्स हैं सिटी पैलेस के, चित्तौड़गढ़, हल्दी घाटी और जो चीज़ें ये लोग यूज़ करते थे, और इसके अलावा पूरा मेवाड़ डायनेस्टी का हिस्ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आइलैंड है, बिल्कुल सुंदर सा आइलैंड है वहाँ पर, वो बिल्कुल पानी के बीच में है।